मुड़गांव पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को काबू करा है। 13 लैपटॉप बरामद करे गए हैं, 3 थर्मल प्रिंटर हैं, 2 लैपटॉप की बैटरीज हैं और डिफरेंट ऐसे उपकरण हैं जो इसके संबंध में, जिससे ये जुआ खेलने में प्रकरण में इसको काम में लिया करते। गुरुग्राम सेक्टर 39 की क्राइम टीम ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से सोहना एल्डिको अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर L101 में सर्वर लाइन व सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से ऑनलाइन जुआ खिलाने वाला सॉफ्टवेयर सहित लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किया है। मुड़गांव पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को काबू करा है। इसमें गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज की टीम ने, टीम के पास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी विश्वसनीय सूत्रों के थ्रू कि एक सोना के किसी अपार्टमेंट में ऑनलाइन गेमिंग और ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू, सर्वर लाइन के थ्रू, लीज लाइन के थ्रू ऑनलाइन जो जुआ और गैम्बलिंग का अवैध धंधा है वो चलाया जा रहा है। उस संबंध में इंस्पेक्टर पंकज की ने एक टीम गठित करी और संबंधित जगहों पर छानबीन करी और वहाँ पर जब रेड करी गई तो एक सोना के पास एक अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, वहाँ पर वहाँ से दो व्यक्तियों को मौके से ही अरेस्ट करा गया है, जिनका नाम मुकेश है जो सिरसा का रहने वाला है और सतबीर और संटू है जो सोना का रहने वाला है। ये दोनों ही व्यक्ति वहाँ पर जो अपार्टमेंट में रह के वहाँ पर सर्वर की लीज लाइन ले रखी थी और अपने एक सर्वर इस्टेब्लिश करके लोगों को अपने सर्वर के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग के प्रोफाइल बनाता और जो कि वेबसाइट बना रखी है उन्होंने पंजाब सुपर के नाम से, वहाँ से लोगों को डिफरेंट यूज़र आईडीज और पासवर्ड्स देते थे और ऑनलाइन जो गैम्बलिंग का अवैध धंधा इन्होंने चला रखा था। इस संबंध में इनसे मौके से ही काफ़ी लैपटॉप्स, 13 लैपटॉप बरामद करे गए हैं, 3 थर्मल प्रिंटर हैं, 2 लैपटॉप की बैटरीज हैं और डिफरेंट ऐसे उपकरण हैं जो इसके संबंध में, जिससे ये जुआ खेलने में प्रकरण में इसको काम में लिया करते। क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी मुकेश सिरसा जिले के रानिया का रहने वाला है तो वहीं दूसरा आरोपी सोहना का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लैपटॉप, 4 थर्मल प्रिंटर, 2 लैपटॉप बैटरी, 1 लैपटॉप चार्जर, 1 कीबोर्ड, 1 LCD टेलीविजन, 3 मोबाइल फोन, 7 कनेक्टिंग वायर, 3 एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर व 1 सर्वर बरामद किया। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने मुकेश की तलाशी ली और जेब में रखे मोबाइल फोन को चेक किया तो उसमें सट्टा खिलाने के लिए इस्तेमाल की गई अलग अलग यूजर आईडी पाई गई। इनको अभी अरेस्ट करा गया है और रिमांड, पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फर्दर पूछताछ जारी है कि कौन कौन ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी मदद से ये सारा प्रकरण और ये जो गतिविधियों में ये संचालित कर रहे थे। ये लगभग पिछले 1 साल से इस गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और डिफरेंट यूजर आईडीज बनाकर ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो जो ऐसे लोग ऐसी जो संबंधित गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, और अब पुलिस की पूछताछ में फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पूछताछ करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन जो इनके एजेंट्स थे जिनके थ्रू ये यूज़र आईडीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और फर्दर वो अभी रिमांड के दौरान जब हासिल करके इनसे फर्दर पूछताछ करी जाएगी। कि अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, सर्वर वगैरह जो पुलिस ने कब्जे में लिया है उसको लैब के थ्रू उसकी जांच कराई जाएगी, उसकी रिपोर्ट जैसे हासिल होगी कि किस माध्यम से ये उस चीज़ को ऑपरेट करते थे, क्या मोडस ऑपरेंडी रहती थी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑन कोर्स पता चलेगा। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ सर्वर व सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने तथा ऑनलाइन सट्टा खिलाने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण रखकर जालसाजी से लैपटॉप अपने पास रखने पर इनके खिलाफ धारा 420 IPC 66D IT एक्ट व 13 गैम्बलिंग एक्ट के तहत थाना शहर सोहना में मुकदमा कराते हुए आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इससे पहले बस ये पहले ये जुआ सट्टे का काम करते थे, लेकिन अब ये जैसे जिस प्रकार से इनके पास नोटिस में आया कि अभी ये इस तरीके से ऑनलाइन भी, ये जो मुकेश है ये काफ़ी टेक्निकल साउंड वो बैकग्राउंड से है और इसी ने ये जो सर्वर्स डेवलप करे और वेबसाइट डेवलप करवाई और जिसके थ्रू ये डिफरेंट अपने एजेंट्स के थ्रू अपने यूजर आईडीज डिस्ट्रीब्यूट करा के ऐसे ये ऑनलाइन गेमिंग खिलाते थे। क्राइम हिस्ट्री के बारे में अभी जैसे पकड़ा है, इनकी जांच करी जा रही है, संबंधित जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी थ्रू आउट जो इनका पहले पृष्ठभूमि इनके क्या क्या रही है वो सारी सामने आएंगी।
आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि वह पंजाब सुपर नाम की वेबसाइट पर सर्वर व सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर आईडी व पासवर्ड जनरेट करके ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे। आरोपियों के कब्जे से बरामद सभी 13 लैपटॉप में अलग अलग यूजर आईडी बनाकर सट्टा खिलाने का काम करते हैं। आरोपियों के पास से बरामद किए गए लैपटॉप भी फर्जी तरीके से लिए हुए हैं, जिनका कोई बिल इनके पास मौजूद नहीं है। इस मामले में आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासा करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए गुरुग्राम सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।